ऑडियंस के पिछले हफ्ते के वोट्स के मुताबिक हमारे बॉटम थ्री से सबसे कम वोट्स मिले हैं, उसका नाम है दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 13 के पिछले वीकेंड के डबल एलिमिनेशन के बाद अब बारी है इस वीकेंड के नए एलिमिनेशन की। जी हाँ, इंडियन आइडल सीजन 13 का ग्रैंड फिनाले बहुत नजदीक आ चुका है और ऐसे में अब शो के सभी कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला कांटे का हो गया है। वैसे चिराग कोतवाल, देबोस्मिता रॉय, ऋषि सिंह और बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के मन में एक ही डर है कि कहीं शो का अगला एलिमिनेशन उन्हीं का ना हो जाए। तो चलिए इस वीकेंड के एलिमिनेशन को लेकर पूरी बात जानते हैं कि इस वीकेंड किसका एलिमिनेशन होगा, किसे बॉटम में रखा जाएगा और सबसे बड़ी बात कि इंडियन आइडल सीजन 13 के मेकर्स क्या चिराग को शो से बाहर करने की तैयारी में है। जी हाँ, आगे सब कुछ जानेंगे। बस आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और कमेंट करके ये बताना कि आपके हिसाब से इंडियन आइडल सीजन 13 का पहला फाइनलिस्ट कौन बन सकता है। देखो, इस वीकेंड किसका एलिमिनेशन होगा वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चिराग, ऋषि, विदिपिता समेत बाकी सभी कंटेस्टेंट्स में से कौन एलिमिनेशन रडार पर है। तो भैया, सबसे पहले अगर हम विदिपिता चक्रवर्ती की बात करें तो विदिपिता को वोटिंग अच्छी खासी मिली है और इनका परफॉर्मेंस भी शानदार होता है, तो विदिपिता सेफ है। बात करें सोनाक्षी की तो सोनाक्षी के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं लेकिन इन्हें वोटिंग ज्यादा नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि इनका एलिमिनेशन आगे कुछ वीकेंड में हमें देखने को मिल जाए। तो वहीं बात करें शिवम सिंह की तो शिवम को पिछले कुछ वीकेंड से वोटिंग बहुत कम मिल रही है, तो ये भी एलिमिनेशन रडार पर हैं। तो अब बात करते हैं संज्योति की, तो संज्योति का एलिमिनेशन अभी नहीं होगा क्योंकि ये सेफ जोन में है। जी हाँ, अगर बात नवदीप की करें तो नवदीप वडाली एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको शो से बहुत पहले ही बाहर किया जाना था लेकिन शो के मेकर्स इन्हें कम वोटिंग होने के बावजूद भी शो में रखे हुए हैं, तो ये तो एलिमिनेशन रडार पर बहुत पहले से ही हैं। देबोस्मिता की बात करें तो इन्हें वोटिंग भी ज्यादा मिल रही है और इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार होता है, इसीलिए ये सेफ जोन में है। अब बात करते हैं चिराग कोतवाल की। जी हाँ, चिराग इंडियन आइडल सीजन 13 के ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो 5 बार बॉटम में आ चुके हैं। जी हाँ, 5 बार। ऐसे में सभी को यही लग रहा है कि चिराग शो से बाहर हो जाएंगे, तो भैया मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। शो की टीआरपी के लिए चिराग को बॉटम में रखा जाता है, बाकी चिराग का परफॉर्मेंस, वोटिंग सब कुछ अच्छा है, इसीलिए चिराग शो के सेफ जोन में है। चलिए अब बात करते हैं ऋषि सिंह की, तो भैया ये तो पहले से ही टॉप पर हैं और इनको शुरुआत से ही बहुत अच्छी वोटिंग मिल रही है, तो हो सकता है कि ऋषि को बहुत जल्द शो का पहला फाइनलिस्ट अनाउंस कर दिया जाए। तो वहीं इस वीकेंड के एलिमिनेशन की बात करें तो पिछले वीकेंड वोटिंग लाइंस ओपन नहीं की गई थी, तो जब वोटिंग नहीं हुई तो इस वीकेंड एलिमिनेशन भी नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है इंडियन आइडल सीजन 13 का पहला फाइनलिस्ट कौन बनेगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।